अब हर प्रदेशवासी ने ठाना है मिशन 2030 को सफल बनाना है। इसलिए सभी वर्ग निभा रहे हैं अपनी भागीदारी और दे रहे हैं एक से एक बढ़कर सुझाव और जीत रहे हैं लाखों के पुरस्कार और वो भी रोजाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल बना रही है राजस्थान के विकास की गति को 10 गुना। आइए देखें कौन कौन बने हैं आज के इस मिशन 2030 कॉन्टेस्ट के पहले 3 विजेता। राजस्थान मिशन 2030 के आज के जारी परिणामों के पहले विजेता रहे जयपुर जिले के मनीष जांगिड़, जिन्हें 1,00,000 रुपए की पहली इनाम राशि दी गई। उन्होंने पशु संवर्धन और संरक्षण पर आधारित वीडियो बनाकर शेयर किया था। राजस्थान पशुधन और दूध उत्पादन में देश में नंबर 1 राज्यों में से एक है, लेकिन आज भी ना जाने कितने ही पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालक तो परेशान होता ही है, साथ में हमारी राजस्थान की इकोनॉमी को भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में कुछ सुझाव से राजस्थान मिशन 2030 से पहले हम राजस्थान को पशुधन और दूध उत्पादन में वर्तमान से और भी अच्छा और विकसित बनता देख सकते हैं। पहला सुझाव है अच्छी ब्रीड यानी अच्छी नस्ल अपनाकर, जिसमें उच्च दूध उत्पादन के साथ उच्च रोग प्रतिरोधक वाले नस्लों के पशुधन को बढ़ावा देना। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण पशु आहार और चारा। जी हाँ, दूध की पैदावार तभी बढ़ सकती है जब पशुओं को उच्चतम गुणवत्ता वाला पशु आहार और चारा मिलेगा। तीसरा, ट्रेनिंग और कौशल विकास करके, इसमें पशुपालकों को पशु देखभाल के लिए कौशल विकास प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स और प्रोग्राम करवाने चाहिए। चौथा, पशु रोग नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए ताकि पशुधन में बीमारियों का रोकथाम के साथ पशु मृत्यु दर कम हो। पांचवा, पशुधन बीमा, कामधेनु बीमा योजना में और भी सुधार लाकर, जैसे पशु बीमा की संख्या में बढ़ोतरी, साथ ही गाय भैंस के अलावा दूसरे दुधारू पशुओं को शामिल करना जैसे भेड़ बकरियां आदि। छठा, किसानों और डेयरी समितियों के बीच ऋण और निवेश जैसी वित्तीय सेवाओं में और भी आसानी करना। सातवां, किसान और पशुपालकों की सभी योजनाएं और सब्सिडी के बारे में जानकारियां हर किसी तक पहुंचाने के लिए बढ़ावा देना। इसके अलावा पशुधन और दूध उत्पादन के लिए और भी सुझाव है, लेकिन फिर वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ करौली जिले की सपना बैरवा रही दूसरे स्थान पर। उन्होंने स्कूली छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई विषयों को उनके पाठ्यक्रम में जोड़ने पर सुझाव पर आधारित वीडियो बनाकर शेयर किया था। राम राम सा, मैं सपना बैरवा वर्ष 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने हेतु चलाए गए मिशन 2030 में मेरे सुझाव इस प्रकार है कि कक्षा 11वीं से महिला छात्राओं के लिए सिलाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना जैसे अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू की जाए। वही पुरुष छात्रों के लिए हेयर ड्रेसर एवं ब्यूटी पार्लर, बैग बनाना, साबुन बनाना, कारपेंटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे अनिवार्य पाठ्यक्रम जोड़े जाए। राजस्थान सरकार की यह योजना छात्र छात्राओं को अपना शिक्षा पूरी करने के बाद खुद का रोजगार खोलने में मददगार साबित होगी। वही कक्षा 11 से ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तकनीकी, कृषि विज्ञान जैसे वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाए। इससे न केवल राजस्थान में तकनीकी क्षेत्र में नवाचार हो सकेगा अपितु युवा वर्ग अपने हुनर को पहचान कर राजस्थान के आर्थिक विकास में योगदान दे सकेंगे और राजस्थान वर्ष 2030 तक तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य हो जाएगा। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ज़्यादातर किसान आज भी केवल खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन करते हैं। कृषि में नवाचार लाने हेतु राजस्थान सरकार को किसानों को खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त व्यापारिक एवं नकदी फसल जैसे गन्ना, कपास, जूट आदि उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न किसान जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और कृषि प्रदर्शनी, तारबंदी योजना, बीज मिनिकट, फसल निर्यात योजनाओं का विस्तार करना चाहिए। इस तरह राजस्थान वर्ष 2030 तक कृषि नवाचार में एक विकसित राज्य उभर सकता है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित वृद्धि हो सकेगी। साथ ही हम आम नागरिकों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। जय राजस्थान, सशक्त राजस्थान। डूंगरपुर जिले की फरहाना रही तीसरे स्थान पर, जिन्हें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि से नवाजा गया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए जीवन QR कोड जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनल में यह सारी खबरें सुनते या पढ़ते ही रहते हैं।
आज के दौर में सड़क पर दुर्घटनाएं मानो कॉमन ही हो गई हैं। 7 में से 4 लोगों की मृत्यु सिर्फ इसीलिए हो जाती है क्योंकि सड़क दुर्घटना के बाद उन्हें समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता। और पूरे राजस्थान में भारत की 12.8% मौतें सड़क दुर्घटना के कारण होती हैं। और हर साल इसमें 13% की वृद्धि हो रही है जो कि बहुत ही भयावह है। राजस्थान सरकार को राजस्थान मिशन 2030 के तहत जीवन QR कोड को लागू करना चाहिए। इस QR कोड का नाम जीवन इसलिए रखा है क्योंकि यह जीवन देता है। यह QR कोड से कितनी सारी जिंदगियां बच सकती हैं। यह QR कोड इस तरीके से काम करेगा कि इसको हमें वाहन के आगे चिपका देना है और फिर जब भी हम किसी हाईवे पर जा रहे होंगे तो यह मोबाइल से एक्टिवेट हो जाएगा। इस जीवन QR कोड को पूरे राजस्थान में कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वहाँ पे मौजूद लोग उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे जिससे उन्हें नजदीकी अस्पतालों का पता लग जाएगा, उसमें एम्बुलेंस का नंबर होगा और उनके घर वालों के इमरजेंसी नंबर भी मौजूद होंगे। जो नए वाहन खरीदे जा रहे हैं या फिर किसी का लाइसेंस बना रहे हैं तो उसी टाइम उन्हें यह QR कोड इशू हो जाना चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी वाहन खरीद दिए गए हैं उन्हें भी सड़क सुरक्षा के तहत यह QR कोड इशू होना चाहिए। सरकार को जनता को जागरूक करने के लिए न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स उन सब का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोग QR कोड स्कैन करने में हिचकिचाए ना। जैसे पेमेंट करने के लिए QR कोड हो सकते हैं तो जान बचाने के लिए QR कोड तो बन ही सकता है। एक QR कोड स्कैन करने से हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। QR कोड स्कैन करना आज के जमाने में बहुत ही आसान प्रक्रिया है और हर आम आदमी तक यह सुविधा पहुंचनी चाहिए।